नमस्कार और दिल से अभिनंदन। देश की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरों के बलिदान से हम ज्यादातर भारतीय परिचित हैं। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की गाथाएं हर गली मोहल्ले में सुनाई जाती हैं। लेकिन उनका साथ देने वाली महिला क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आज हम आपको उनकी टोली की एक महिला क्रांतिकारी सुशीला मोहन यानी कि भगत सिंह की सुशीला दीदी के बारे में बता रहे हैं। 5 मार्च 1905 को पंजाब में जन्मी दीदी की शिक्षा जलंधर के आर्य कन्या महाविद्यालय में हुई। उनके पिता अंग्रेजी सेना में नौकरी करते थे। पढ़ाई के दौरान सुशीला क्रांतिकारी दलों से जुड़े छात्र छात्राओं के संपर्क में आईं। उनका मन भी देशभक्ति में रमने लगा और देखते ही देखते वह खुद क्रांति का हिस्सा बन गई। लोगों को जुलूस के लिए इकट्ठा करना, गुप्त सूचनाएं पहुंचाना और क्रांति के लिए चंदा इकट्ठा करना उनका काम हुआ करता था। यहाँ पर उनका मिलना जुलना भगत सिंह और उनके साथियों से भी हुआ। यहाँ पर उनकी मुलाकात भगवती चरण और उनकी पत्नी दुर्गा देवी वोरा से हुई। ये सुशीला दीदी ही थी जिन्होंने दुर्गा देवी को दुर्गा भाभी बना दिया। उन्होंने ही सबसे पहले ये संबोधन उन्हें दिया और फिर हर कोई क्रांतिकारी उन्हें सम्मान से दुर्गा भाभी कहने लगा और सुशीला को सुशीला दीदी। कहते हैं भगत सिंह भी सुशीला दीदी को बड़ी बहन की तरह सम्मान करते थे। ब्रिटिश सरकार की बहुत सी योजनाओं के खिलाफ सुशीला दीदी ने उनकी मदद की थी। काकोड़ी षड्यंत्र में जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी पकड़े गए तो उन पर मुकदमा चला। मुकदमे की पैरवी को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत थी। ऐसे में सुशीला दीदी ने 10 तोला सोना दिया। बताया जाता है कि ये सोना उनकी मां ने उनकी शादी के लिए रखा था, पर इस वीरांगना ने इसे अपने देश की आजादी के लिए दे दिया, क्योंकि उन्हें किसी भी दौलत से ज्यादा आजादी से प्यार था। लेकिन ये देश की बदकिस्मती थी कि काकोरी ट्रेन को लूटकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी की सजा सुना दी गई। इस खबर ने सुशीला दीदी और उनके जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को झकझोर दिया था, पर उनके कदम नहीं डगमगाए, बल्कि सुशीला दीदी तो अपने घर वालों के खिलाफ चली गई। उनके पिता ने जब उन्हें राजनीति और क्रांति से दूर रहने के लिए समझाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि घर छूटे तो छूटे, लेकिन उनके कदम देश को आजादी दिलाए बिना कभी नहीं रुकेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला दीदी कोलकाता में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। यहाँ पर रहते हुए भी वह लगातार क्रांतिकारियों की मदद कर रही थी। साल 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता पहुंचे, उस समय भगवती चरण भी कलकत्ता में ही थे। लखनऊ स्टेशन से ही भगत सिंह ने भगवती और सुशीला दीदी को पत्र लिख दिया था। कलकत्ता स्टेशन पर सुशीला दीदी और भगवती उन्हें लेने के लिए पहुंचे। कलकत्ता में सुशीला दीदी ने भगत सिंह को वहीं ठहराया जहां वह खुद रह रही थी, ताकि ब्रिटिश सरकार को पता न चल सके। सुशीला दीदी की मदद से भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी ने अपनी अगली योजना पर काम किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के लिए भेजना तय किया गया और उस समय सुशीला दीदी दुर्गा भाभी और भगवती चरण के साथ लाहौर में ही थी। अपने मिशन पर निकलने से पहले भगत सिंह उनसे भी मिलने आए थे। इस हमले में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों पर जब लाहौर षड्यंत्र केस चला तो दीदी भगत सिंह के बचाव के लिए चंदा जमा करने कलकत्ता पहुंची। भवानीपुर में सभा का आयोजन हुआ और जनता से भगत सिंह डिफेंस फंड के लिए धन देने की अपील की गई।
कलकत्ता में दीदी ने अपने इस अभियान के लिए अपनी महिला टोली के साथ एक नाटक का मंचन करके भी 12,000 रुपए जमा किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय क्रांतिकारी दल को देने लगी। अन्य क्रांतिकारियों के साथ साथ सुशीला भी अंग्रेजों की नजर में आने लगी थी। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना भी उन्होंने जतेंद्रनाथ की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी के साथ मिलकर भारी जुलूस निकाला, जन जन के दिल में क्रांति की आग को भड़काया। उन्हें साल 1932 में गिरफ्तार भी किया गया। 6 महीने की सजा के बाद उन्हें छोड़ा गया और उन्हें अपने घर पंजाब लौटने की हिदायत मिली। साल 1933 में उन्होंने अपने एक सहयोगी वकील श्याम मोहन से विवाह किया, जो खुद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। साल 1942 के आंदोलन में दोनों पति पत्नी जेल भी गए। श्याम मोहन को दिल्ली में रखा गया और दीदी को लाहौर में। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उनके मन से देश को आजाद कराने का जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आखिरकार महान वीर वीरांगनाओं की मेहनत रंग लाई और साल 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी के बाद की जिंदगी सुशीला दीदी ने दिल्ली में गुमनामी में ही गुजारी। उन्होंने कभी भी अपने बलिदानों के बदले सरकार से किसी भी तरह की मदद या इनाम की अपेक्षा नहीं रखी। 3 जनवरी 1963 को भारत की इस बेटी ने दुनिया को अलविदा कहा। दिल्ली के चांदनी चौक में एक सड़क का नाम सुशीला मोहन मार्ग रखा गया था, पर शायद ही कोई इस नाम के पीछे की कहानी से परिचित है। अक्सर यही होता आया है, हमारा इतिहास महिलाओं के बलिदान और उनकी बहादुरी को अक्सर भूल जाता है। बहुत सी ऐसी नायिकाएं हमेशा छिपी रह जाती हैं। सुशीला मोहन भी उन्हीं नायिकाओं में से एक है। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाली ऐसी वीरांगनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।